तो आज के इस वीडियो पर आप सबको दिखाऊंगा न्यू दिघा में स्थित एक रेपुटेड होटल होटल ओएसिस। साथ में अभी बताऊंगा कि होटल से सी बीच कितना दूर है, कितना समय लगता है और ये लोकेटेड कहाँ है, क्या क्या फैसिलिटीज है, रूम चार्जेस वगैरह सब कुछ प्रॉपर दिखाऊंगा, साथ में बताऊंगा भी। तो चलो शुरू करते हैं और पहले दिखाते हैं कि होटल लोकेटेड कहाँ है। तो ये जो सीधा से देख पा रहे हो ये जाता है स्टेशन की साइड, बस 200 मीटर की दूरी पर है और हम लोग जाना है रास्ते के अपोजिट साइड। और ये वाला जगह आप सबको पहले तो भाई अगर दिघा आ चुके हो तो आप लोग नॉर्मल चीज है, क्योंकि इधर से ही जाना होता है अमरावती पार्क और बाकी जो लेफ्ट से रास्ता जाता है वो जाता है न्यू दिघा सी बीच, जो कि देख पा रहे हो इधर से बस 2 से 3 मिनट लगेगा। न्यू दिघा सी बीच ज्यादा दूर है नहीं, एकदम सामने ही है। बाकी ये जगह तो भाई सबको पता ही होगा। बाकी इधर से सामने जाओगे तो आप लोगों को लेफ्ट साइड पे मिलेगा अमरावती पार्क और उसके ठीक अपोजिट साइड पे मिलेगा होटल ओएसिस। चलो वो दिखाते हैं। चलो अभी अंदर चलते हैं, रूम वगैरह दिखाते हैं कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ दिखाते हैं और साथ में प्राइस भी बात करते हैं। और उसके पहले जो चीज मेरे को पर्सनली आकर्षित किया वो है सुंदर सा मिनी गार्डन। सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ही सुंदर लगा, जैसे कि आप लोग खुद ही देखो। पहले तो भाई ये बताना कि आप लोग के गार्डन कैसा लगा। चारों तरफ होटल के चारों तरफ भी ऐसे आप लोगों को फूलों का पेड़, बहुत तरह तरह का पेड़ वगैरह सबको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो आप चलो रूम दिखाते हैं। इधर पे आप लोगों को नॉन एसी रूम, एसी रूम, फैमिली रूम, ग्रुप में अगर आते हो आप लोग किचन वगैरह यूज करना चाहते हो, अटैच किचन, विदाउट किचन सब कुछ इधर पे मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे सामने जो रूम देख पा रहे हो ये एक सिंगल बेड एसी रूम है और रूम का साइज देखो बहुत ही बड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, बहुत ही बड़ा रूम है और इधर पे 3 लोग आसानी से रह जाएंगे। बेड का साइज आप लोग खुद ही देख पा रहे हो बहुत ही बड़ा है और विंडो से अमरावती लेक का एक सुंदर सा व्यू आप लोग देख पाओगे। मैंने पहले ही बोला कि अमरावती जो लेक है उसकी अपोजिट साइड ये होटल है, जैसे कि देख पा रहे हो। और बाकी एसी भी देख पा रहे हो, एक अलमारी है, एक मिरर है और एक टीवी है। जो जो एक रूम में होना चाहिए वो सब कुछ इधर पे अवेलेबल है। बाकी अटैच आप लोग किचन इस रूम में नहीं मिलेगा, दूसरे कुछ रूम है, इस रूम का भी किचन है बाजू में है, चाहो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी छोटा सा अलमारी है उसके अंदर कुछ सामान भी था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो आप लोग खुद ही बताओ ये रूम कैसा है और इस रूम का जो प्राइस है वो है 1000 रुपये। बाकी चलो आप लोग टॉयलेट दिखाता हूँ वो कैसा है, जैसे कि देख पा रहे हो लोग टॉयलेट भी एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम देख पा रहे हो, खुद ही आप लोग देख लो। आप लोग रेटिंग करना 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे इस रूम को। और सेम रूम नॉन एसी में भी मिल जाएगा जिसका प्राइस है 600 और इसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होता रहता है सीजन के हिसाब से। तो जब आप लोग आना चाहो या फिर एडवांस बुकिंग करना चाहो तो उसके लिए नंबर वगैरह सब कुछ है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग उस टाइम पे कॉल करके पूछ लेना करंट प्राइस क्या है, तो आप लोग जान जाओगे। तो अगर आप लोग ग्रुप में आना चाहते हो या फिर फैमिली आना चाहते हो तो आप लोगों के लिए रूम बेस्ट होगा। हम लोग भी इसी रूम पे थे। शुरू में आप लोग एक छोटा सा अलमारी मिल जाएगा जिधर पे अपना बैग वगैरह रख सकते हो और एक 2 बेड मिल जाएगा जिधर पे 6 लोग परफेक्टली रह सकते हैं, जिसका लोग खुद ही देख पा रहे हो। और ये एक नॉन एसी रूम है, एक आईना मिल जाएगा और बाकी ये रूम का वीडियो मैंने चेकआउट के टाइम पे बनाया था जिसका कारण थोड़ा सा गंदा है, बाकी आप लोगों को सुंदर ही मिल जाएगा। बाकी एक टीवी है, जो जो रूम में होना चाहिए वो सब कुछ है, 2 फैन है और एक विंडो से सुंदर सा व्यू मिल जाएगा, जैसे कि लोग खुद ही देख पा रहे हो नीचे का इंटीरियर, बाकी सामने लेक। ओवरऑल बोला जाए तो रूम बहुत ही सुंदर है। आप लोग जरूर रेटिंग करके बोलना कि इस रूम को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी टॉयलेट भी देख पा रहे हो एकदम नीट एंड क्लीन है, जैसे कि आप लोग खुद ही देख पा रहे हो। बाकी रूम का जो प्राइस पर हम लोग को वो पड़ा 800, तो डबल बेड के हिसाब से 800 परफेक्ट है इतना सुंदर रूम के लिए, तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही बढ़िया है और अप एंड डाउन तो होता रहता है प्राइस। बाकी मैं और रूम नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बाकी रूम है वो सिमिलर ही है बोला जाए तो, इसलिए मैं और रूम नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बोलना कि अगर कुछ भी रह चुका है, कुछ भी जानना बाकी रह गया है तो जरूर से मेरे को बोलना। और बाकी रूम का या फिर होटल का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन पे है, फोन नंबर वगैरह सब कुछ, तो उधर से आप लोग चाहो तो एडवांस बुकिंग करना तो वो भी कर सकते हो। बाकी इधर पे आप लोग को जनरेटर का भी फैसिलिटीज मिल जाएगा, एक बढ़िया चीज़ है बोला जाए तो प्लस पॉइंट। और एकदम मैं छत पर आ चुका हूँ और इधर से एक व्यू देखो बहुत ही सुंदर और मस्त व्यू।